हे गाइस, बिटू आईटी हियर। तो आज ना तुम्हारा भाई देखो कोई खास वीडियो डालने नहीं वाला था, एंड आज तुमको जस्ट एक बात बताने वाला है। एंड ये बात ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड हो सकता है इससे बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। एंड कुछ देखो भाई, सबसे पहली चीज तो जो बंदों को वीडियो नहीं देखना है ना, वो अभी चले जाओ, एंड जिनको देखना है वो एंड तक पूरा देखना। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, मैं और यूट्यूबरों की तरह नहीं हूँ, मेरे को भी 1 मिलियन करने हैं जल्दी से। बस 1 मिलियन ना एक नंबर नहीं करना, ठीक है? मेरे को 1 मिलियन का फैमिली बनाना है, एंड बाकी सबको नंबर्स बढ़ाने होते हैं और किसी पे ध्यान नहीं देते। तो गाइस चलो, टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। आज ना मैं आपको अपनी हिस्ट्री की कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, एंड कुछ टाइम पहले की, मतलब गेम की, जब मैं गेम में आया था उसके कुछ टाइम बाद की ऐसी बात बताने वाला हूं ना, आपको शॉक लगेगा जान के। ये बात है ना आज से करीब 1.5 साल पुरानी, ठीक है? जब मैं भाई तुम्हारा भाई B2YT रैंक पुश नहीं कर पाता था, मतलब एक नॉर्मल प्लेयर था, जैसे आप लोग अभी हो ना, ऐसे ही मैं था। शायद मैं आपसे भी गया गुजरा था, नूबड़ा टाइप का बंदा था मैं। एंड मैं रैंक पुश आपको पता है मैं कैसे करता था? जो बरमूडा वाला मैप आता था ना, उधर जाके मैं फैक्ट्री पे लेटता था। ये सब की बात है, लेकिन जब परगेट्री आता था, मैं तब से रैंक पुश कर रहा हूँ जब से कलारी भी ऐड नहीं होता ना इधर रैंक मैच में। एंड गाइस उससे भी पुराना भाई, वो तो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। एंड मैं परगेट्री में ना, जो फील्ड का एरिया होता है उधर, आपको पता होगा कुछ कार्स रखी रहती हैं, एंड उसके अंदर मैं लेट के रैंक पुश करा करता था। गाइस ये बात है उस जमाने की। देखो अब मैं तुम्हारी बात भाई को बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ, तुम्हारा भाई कैसा बनता था, ठीक है? तुम्हारा भाई एक नंबर का नूब बनता था 2017 की समथिंग में, ठीक है ना, 2017 में। मेरी आईडी का नाम था कट्स, CUTS, वैसे मैं क्यूट बॉय लिखना चाह रहा था बट वो कट्स हो गया, ठीक है? एंड उस वक्त मेरे को एक गिल्ड मिली थी राजपूत नाम की, जब विंटरलैंड चल रहा था उसके भी पहला, उसका लीडर शायद कोई गॉड या एनएस बनना, ऐसे करके दो बंदे थे। एंड उस टाइम मेरे को उनने गेम खेलना सिखाया था, मतलब जंप हेडशॉट वगैरह सिखाया था। एंड गाइस आपको चलो एक और बात बताता हूँ, देखो मेरी आईडी का जो बैन वाला सीन है ना, अभी धीरे धीरे हम आएंगे उस स्टोरी पे, तो कंटिन्यू देखते जाना, क्योंकि उस टाइम के बाद ना मैं खेलना सीखा, ठीक है? फिर मैं फैक्ट्री और कार के अंदर नहीं लेटता था, फिर मैं थोड़ा रश टाइप का गेम खेल करने लग गया, ठीक है? जाता था मर जाता था, एंड मेरे को लैंडिंग की एक ही लोकेशन पता थी, पीक, क्लॉक टावर एंड इधर ये ब्राजीला, बस और कहीं पे नहीं उतरता था। एंड वहाँ पे जब मैंने पहली बार देखा था रीजन पे, मतलब जो रीजन का लिस्ट होता ना, तब मैं पहली बार देखा था कि वहाँ पे टॉप 1 पे कौन है भाई, तब मैंने देखा था ना, तो मैंने उस वक्त सोचा था कि भाई मेरे को भी ना मेरी आईडी को एक बार टॉप 1 पे लेके जाना है। एंड मेरी आईडी नीचे लिख के आती थी 999 प्लस करके। एंड उस वक्त मैंने पहली बार ड्रीम देखा था रीजन टॉप 1 जाने का, एंड वो एक ड्रीम ही था मेरे लिए उस वक्त के टाइम पे। एंड फिर धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा, मैं स्टडी करने लगा और धीरे धीरे आईडी आगे बढ़ा, ठीक है ना? ऐसे करके 2018-19 ऐसे निकल गया धीरे धीरे नॉर्मल रैंक खेलते खेलते। एंड गाइस फिर एक टाइम पे ना मैं किसी यूट्यूबर के ग्रुप में गया था, एंड उस ग्रुप में ना एक रैंक पुशर बंदा था, ठीक है, जिसके कम से कम थे 2-3 स्टार थे बंदे के। एंड उससे मैंने पूछा था कि भाई ये, क्योंकि मैं जानना था कि ये जो बंदे रीजन पे आ जाते हैं ना, वो कैसे आ जाते हैं, मतलब उसके लिए क्या करना पड़ता, क्योंकि पहले तुम्हारे भाई को कोई भी आइडिया नहीं था। एंड तब उसने ना मेरे को एक नूबड़ा समझ के, मतलब मैं तब नूबड़ा ही बोल सकते हो आप, कि मैं लाइट पास नहीं लेता था, मेरा प्रोफाइल गंदा था, मैं ऐसे उतरता था मर जाता था, एंड शायद मेरा उस वक्त लेवल भी कम था, इस वजह से मेरे को नूब बोला जाता था। एंड गाइस आपको पता है मैं स्कल मास्क लगा के घूमता था, एंड वो रैंक पुशर बनते, एंड उनने मेरे को नूब वगैरह टाइप का बोला कि मैं क्या रैंक पुश करूंगा। एंड गाइस उस वक्त ना मैं फिर निकल गया ग्रुप से, एंड मैंने बहुत सारी बहस वगैरह भी हुई थी, फिर मैं ग्रुप से लीव कर गया था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीता, उसके बाद तुम्हारे भाई ने ना एक स्क्वाड बनाया, एंड उस वक्त हम लोग ऐसा चिल वाला गेम प्ले करते थे। एंड फिर मेरे को ना उस वक्त तक मैंने अपने दोस्तों से शेयर किया लाइक मेरे को रैंक पुश करना है, टॉप 1 पे जाना है, तो मेरे अपने बंदे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। एंड ना उस वक्त फिर कुछ टाइम और आगे बढ़ा, मतलब मेरा जो ड्रीम था ना वो बहुत पहले से था टॉप 1 जाने का। एंड कुछ टाइम बाद, ठीक है, फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं रैंक पुश करता हूँ। एंड मैंने अपनी आईडी का नाम बहुत बार चेंज किया लाइफ में, मतलब मेरा जो भी ये जर्नी है ना 3 साल का, गेम का 4 साल का, इस वक्त मेरी आईडी का नाम बहुत बार चेंज हुआ है, क्योंकि मेरे को ना कुछ नाम अच्छे लगते थे तो मैं वही चेंज करके रख लेता था। लाइक मैं ना ट्रेंड के हिसाब से चलता था, कोई मैंने परमानेंट नाम नहीं बनाया था। एंड उसके बाद मैंने कुछ टाइम मिस्रिया नाम रखा, रोहित भाई YT नाम रखा, ठीक है, मेरा आईडी का नाम रोहित भाई YT था। एंड हैकर वाला सीन तो भाई मेरे साथ बहुत था, रोहित भाई YT वाला सीन था, क्योंकि तब मैंने रैंक पुश में ना शॉर्टकट्स अपनाए थे, एंड पहली बार रैंक पुश किया था एंड मैंने शॉर्टकट्स अपनाए थे हैकर वैकर वाला सीन करके। एंड फिर कुछ टाइम बाद देखो मैंने उस सीन टॉप 1 किया, ठीक है, टॉप 1 किया। एंड फिर मेरे को पता चला कि ये हैकर वैकर वाले सीन से क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या करना पड़ता, फिर मैंने हैकर को ड्रॉप किया। एंड कुछ टाइम बाद मैं हैकर के साथ खेलता था, मेरे को लिटरली नहीं पता था, क्योंकि मैं गेम में रैंक पुश करना, मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम था कि मेरे को टॉप 1 करना है, ठीक है। फिर मेरे को ये जब भी मैं किसी के ग्रुप में जाता था, मैं बोला कि मैं टॉप 1 प्लेयर हूँ ऐसा वैसा, तो लोग बोलते थे कि मैं हैकर के साथ खेलता हूँ, तो सिर्फ मेरे को
उतना अच्छा रिस्पेक्ट नहीं मिला, मतलब मैं जो चाहता था ना कि टॉप वन प्लेयर पे मेरे को खुशी मिले वो नहीं मिली थी। एंड फिर मैंने ना रोहित भाई वाईटी नाम हटाया एंड फिर मैंने रखा नाम अपना बेटू वाईटी, ठीक है। एंड फिर मेरे को एक रैंक पुश का एक गिलिच मिला, जो रैंक पुश का एक ट्रिक था, मेरा सीक्रेट ट्रिक था, जिससे मैं बहुत फास्ट पुश करता था बिना डबल रैंक टोकन के, डबल रैंक टोकन जैसा प्लस होता था। एंड फिर मैं बिना हैकर के खेला, डबल रैंक पुश का जो गिलिच होता था ना उसको यूज़ करके खेला। एंड लोगों के ग्रुप में गया, लोग बोले कि तू हैकर के साथ खेलता है कि तेरा रैंक बहुत जल्दी प्लस हो जाता है। मैंने कहा कोई प्रूफ है कि मैं हैकर के साथ खेलता हूँ? वो बोलते हैं नहीं, लेकिन तू हैकर के साथ खेलता है क्योंकि तेरा रैंक बहुत जल्दी प्लस होता है, ऐसा करके मेरे को बोलने लगे। मैंने कहा भाई ये भी ठीक है। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू किया। एंड हाँ, लिटरली मेरे को नहीं पता था, क्योंकि मैंने जब चैनल बनाया था ना तो मेरे को सपोर्ट सबसे पहले करा था कैजुअल गेमिंग ने, एंड उसके बाद कोई क्रिएटर आता था, वो स्वयं भाई थे, स्वयं भाई ने उनने सपोर्ट किया था। एंड उसके बाद लिटरली किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, कब सपोर्ट नहीं किया था। मेरे जब 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे ना, तब मैं टॉप वन पे था उस वक्त, ठीक है। एंड मैंने जब वीडियोस अपलोड डालना शुरू किया कि सोलो रैंक पुश, ऐसा ग्रैंड मास्टर लाइफ, डेली जर्नी, ऐसा टाइप का मैं कुछ वीडियोस डाल लेते जो लोगों को पसंद आए थे, एंड ऐसे करके मेरे 50-60,000 सब्सक्राइबर बहुत इजीली हो गए। एंड धीरे धीरे करके आज मैं 6 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया। एंड आज क्या सीन हो रहा है ना, मेरा जो आईडी था, जो अभी रीजन टॉप वन पे आईडी था, लोग कह रहे हैं कि वो बैन हो गया, लाइक भाई कि वो बैन हो चुका है, 2-3 दिन से ऑफलाइन है। एंड कुछ यूट्यूबर बोल रहे थे भाई उनको छोड़ो, हम नाम ही नहीं लेते उनका, भाई उनकी कहानी अलग है। एंड मैं बताता हूँ अभी मेरा आईडी का क्या हुआ। ये आईडी थी राठी गेमिंग की, एंड जब मैं रैंक पुश कर रहा था ना इस सीजन, मैं 3 दिन के अंदर टॉप 5 में आ गया था, सिर्फ 3 दिन में टॉप 5 में आ गया था। एंड अभी के टाइम में ना फिर मेरा हेल्थ इशू हुआ था एंड कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने रैंक पुश नहीं किया। एंड जो बंदे मेरे को उस दिन देख रहे थे उनको पता होगा, जब मैं कुछ मेरा 8,000 स्कोर था ना, 8-9,000 शायद 7,000 था, ठीक है। एंड उस वक्त मैंने रैंक पुश रोक दिया था, राइट में हेल्थ इशू लिख दिया था। एंड उसी दिन मैंने कम से कम 800-900 का माइनस करवाया था। एंड उसके बाद मैं भाई छोड़ दिया था गेम, मैं रैंक पुश नहीं करा। फिर कुछ लोग बोले कि भाई बेटू आईटी पुश नहीं कर रहे, एंड मेरे बंदे मेरे कमेंट में बोलते थे, मेरे जो 6 लाख मेंबर्स हैं, कि बेटू आईटी पुश नहीं कर रहा, भाई ये क्या चक्कर है। तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं पुश करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। एंड फिर मेरे कॉन्टैक्ट में आया था राठी गेमिंग ने कहा कि बेटू भाई आप मेरा आईडी लेके पुश कर लो, एंड जब आप टॉप 1 पे चले हो तब नाम बदल लेना, तब उनका नाम रखा था तब से। तो फिर मैंने राठी भाई की आईडी ली थी एंड उस आईडी से मैं खेलना शुरू किया था। एंड धीरे धीरे करके मैंने सारी पोजीशनें बीट करी एंड मैं वापस से टॉप 1 पे आ गया, ठीक है। एंड गाइस मेरा आईडी अभी बैन नहीं हुआ है, फेसबुक लॉक हो गया है, एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ ओपन होगा कि नहीं। मैं सोच रहा था 3-4 दिन में ओपन हो जाएगा, बट नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा शायद 8-9 दिन लगने वाले हैं, क्योंकि पहले तो 24 घंटे का आया था, अभी वो फोटो आईडी प्रूफ अपलोड नहीं हो रहा है। एंड हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, बट कोई ना भाई। एंड इस सीजन अभी एंड नहीं हुआ है, शायद कोई और बंदा मेरी हेल्प कर दे रीजन में, एंड देखते हैं कोई करता है कि नहीं, वरना नेक्स्ट सीजन तो अपना आ ही रहा है। एंड वैसे भी सीजन रैंक स्कोर नहीं हो रहा था, तो हमारा भाई मस्त मस्त कंटेंट देगा तुमको। एंड होप करता वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब कर देना, लाइक।